Hello everyone, welcome to Hope and Learn. So Jharkhand High Court Exam Assistant वाला वो 22 September को होगा और अभी तक आप लोग को सब पता चल गया होगा एग्जाम 22 September को होगा और इसमें चार सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे English, Maths, Reasoning और GK. तो इसमें जो English होगा ना वो बहुत ही crucial role play करने वाला है. So on that note I am bringing a new series based on English test जो कि 10 test में daily discuss करूँगा. ठीक है, और आपको वीडियो को देखना है, पॉज करना है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखना है. इफ यू आर गेटिंग 7 और मोर देन 7 देन योर प्रैक्टिस इज गोइंग गुड, बट इफ यू आर गेटिंग बिलो 7 तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज. इट वुड बी इम्पर्टिनेंट टू सजेस्ट दैट ही वॉज जनरली रॉन्ग. तो यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इम्पर्टिनेंट, फेयर, करेक्ट, रूड या इम्पार्शियल. सो पॉज द वीडियो फॉर 1 second, ओके, एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर इज इट वुड बी रूड टू सजेस्ट दैट ही वॉज जनरली रॉन्ग. सो रूड इज द राइट आंसर. वॉट इज द एंटोनिम ऑफ जील. तो जील का एंटोनिम क्या होता है? अपैथी, केयरलेसनेस, डिस इंटरेस्ट या हेट्रेड. तो देखिए जील का मतलब एक्चुअली क्या होता है? जील का मतलब होता है वन हु इज वेरी इंथुजियास्टिक, वन हु इज वेरी फर्वेंट, आर्डेंट, यू नो, वन हु इज वेरी पैशनेट. ठीक है, तो इसका उल्टा मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे डिसइंटरेस्ट होगा. ठीक है, लेकिन वो वाला डिसइंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं ना इंटरेस्टेड है वो बंदा, तो उसका उल्टा होता है अनइंटरेस्टेड, नॉट डिसइंटरेस्टेड. राइट, डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है वन हु इज सेल्फलेस, वन हु इज सेल्फलेस. ठीक है, मतलब कि फ्री फ्रॉम पर्सनल मोटिव. तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपैथी. अपैथी मतलब होता है वन हु हैज लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न. तो जिसके पास जो बहुत ही बंदा जिसको जो पैशनेट होगा उसका उल्टा हो जाएगा, उस बंदे के पास लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आंसर होगा अपैथी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली. तो ये चार स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा सही स्पेलिंग है मिलेनियम का. ठीक है, इसका सही आंसर है मिलेनियम, ऑप्शन ए. स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, इटिमोलॉजी, एथोलॉजी, इथनोलॉजी या एर्गोनॉमी. तो एथनोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस. एज फिट एज ए फिडल. तो ये क्वेश्चन एक इडियम से फ्रेज से मैं उठाया हूं. एज स्लिम एज फिडल, एक्सट्रीमली हेल्दी, गुड एट फिटिंग ऑफ फिडल्स ऑफ ऑल द फिडलिंग टाइप. तो एज फिट एज फिडल का मतलब होता है वन हु इज वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी. राइट, वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहता है, यू कैन से स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी मैच कर रहा है, एक्सट्रीमली हेल्दी. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? वेरी स्लोली, वेरी क्विकली, वेरी स्ट्रेंज्ड. तो इनका सिनोनिम्स बताना है, जेलस, एंग्री, सेपरेटेड या सस्पिशियस. तो स्ट्रेंज का मतलब होता है एलिनिएटेड, दैट इज सेपरेटेड. राइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेपरेटेड. द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड. तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग किसे कहते हैं? डेमोग्राफी. तो देखिए डेमोग्राफी जो है ना इसको कहते हैं हम लोग स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, कैलीग्राफी इज द राइट आंसर, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. कार्टोग्राफी इज, यू नो, इज प्रैक्टिसिंग, वन हु प्रैक्टिसेस मैप्स, मैप ड्रॉइंग. ठीक है, मैप्स ड्रॉइंग का. कंबर्सम, कंबर्सम का एंटोनिम क्या होगा? हैवी, कन्वीनियंट, स्मूथ या फिर ऑटोमेटिक. तो कंबर्सम मतलब होता है वन विच इज कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत जटिल हो. तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इजी, कन्वीनियंट. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. कर्नल, लेफ्टिनेंट, मैग्निफिशियंट या फिर इक्विलिब्रियम. तो इसमें से तीन सही है, गलत है, आपको गलत वाला ढूंढना है ना. तो कर्नल सही है, लेफ्टिनेंट सही है, मैग्निफिशियंट सही है, इक्विलिब्रियम गलत है. इक्विलिब्रियम का सही स्पेलिंग होगा ये, यहां पे ये जो आई है ना ये नहीं होगा, ये आई ये नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको ये सीरीज आप चाहते हैं कि कंटिन्यू मैं करूं तो प्लीज कमेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं डेली या फिर अल्टरनेट डे पे ऐसे वीडियोस ला सकूं और इंग्लिश जो हमारा सेक्शन है झारखंड हाईकोर्ट के लिए वो बूस्ट हो सके. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.